श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1950 को दिया गया। पैड संख्या 3, प्रवचन संख्या 7, विषय अनुकूलता प्रतिकूलता को भगवान का विधान मानकर प्रसन्न रहे। प्रश्न: प्रतिकूलता में अनुकूलता किस प्रकार हो? उत्तर: वास्तव में मन की प्रतिकूलता में ही सब दोषों की सृष्टि होती है। मन की प्रतिकूलता में दोषों का कोई ठिकाना नहीं रहता। मन की प्रतिकूलता में सर्वप्रथम क्रोध की सृष्टि होती है, लेकिन मन की अनुकूलता में आज तक किसी को क्रोध नहीं हुआ और न वास्तव में होता ही है। मन की प्रतिकूलता में ही द्वेष बुद्धि होती है। मन की अनुकूलता में किसी को भी द्वेष नहीं होता, उसमें तो प्रेम होता है। मन की प्रतिकूलता में केवल द्वेष ही नहीं और भी आगे, यानी उससे वैर भी बंध सकता है। इसके अलावा क्रोध भी मन के प्रतिकूल काम में होता है और दुख भी होता है। यह दुख राग द्वेष वाला है। महर्षि पतंजलि जी ने बतलाया है कि 1 अविद्या, 2 अस्मिता, 3 राग, 4 द्वेष और 5 अभिनिवेशः, 5 क्लेशः। इतना ही नहीं, प्रतिकूलता में आपस में कंपटीशन यानी प्रतिद्वंद्वता भी होती है, जिसके कारण अमर्ष पैदा होता है। इसलिए पूछा जाता है कि प्रतिकूलता में भी अनुकूलता किस प्रकार समझी जाए। यही मार्के की बात है। इस प्रश्न का जवाब दिया जाता है, उसको समझना आपका काम है, क्योंकि मुझ में तो ऐसी इस प्रकार की करामात है नहीं कि मैं जबरदस्ती आपकी प्रतिकूलता को अनुकूलता बना दूं। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, पर जब आप भगवान को माने तब न ध्यान देना चाहिए कि जो कुछ मन के प्रतिकूल व्यवधान होता है वह सब भगवान की मर्जी से ही होता है। भगवान के हुक्म के बिना कुछ नहीं होता। किसी भी वस्तु की प्राप्ति की व्यवस्था या किसी भी काम का बनना या बिगड़ना, यह सब कुछ भगवान के हुक्म और भगवान की मर्जी से ही होता है। और भगवान जो भी कुछ करते हैं वे सब कुछ हमारे हित मंगल यानी कल्याण के लिए ही करते हैं। इस प्रकार से समझकर अगर आप विश्वास कर लें
तो फिर आपके मन की प्रतिकूलता ठहर ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, ऐसा समझ लेने के बाद साधक सब प्रकार के दोषों से रहित होकर भगवान की प्राप्ति भी कर सकता है। भगवान ने गीता के चौथे अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः स्मः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थात जो मेरे को तत्व से नहीं जानते वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तो मेरे को ही सब प्रकार से भज। अभिप्राय यह है कि यत्रिच्छा लाभ, यानी ईश्वर इच्छा से जो भी कुछ आकर प्राप्त हो जाए उसी में प्रसन्न यानी संतुष्ट रहे, और द्वंद्वातीतो यानी द्वंद्व से अतीत रहे। द्वंद्व क्या है? हर्ष, शोक, राग, द्वेष, सुख, दुख, ये जो भी दो प्रकार के द्वंद्व हैं, मिटे तो सब मामला खत्म। जो पुरुष इस प्रकार के दुखों और सुखों आदि के प्राप्त होने को भगवान की मर्जी समझकर उसमें आनंद का अनुभव करता है, वह पुरुष सब प्रकार के द्वंद्वों से छूटकर द्वंद्वातीत बन जाता है। पहले तो जो भी कुछ सुख दुख की प्राप्ति हो उसमें भगवान का विधान समझकर संतोष करना चाहिए, तब मनुष्य द्वंद्वातीत बनता है। विभत्सरः यानी मत्सरता का अभाव भी मनुष्य में तभी होता है जब मनुष्य सुख दुख आदि द्वंद्वों की प्राप्ति में आनंद मानता है। उसके लिए फिर मत्सरता यानी ईर्ष्या की गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन होना चाहिए यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जो भी कुछ आकर प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहना। जो मनुष्य काम की सिद्धि एवं असिद्धि दोनों में समान भाव से रहता है, वह जो भी कुछ करता है उससे वह पाप का भागी नहीं होता। इन दोनों में जो संभाव नहीं होता वह पापों से लिपायमान होता है। इसलिए पापों से लिपायमान नहीं होने का यह उपाय बतलाया गया कि जो भी कुछ हो रहा है वह सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है। इसलिए
उन सब कर्मों का भगवान की आज्ञा समझकर तदनुसार बरतना चाहिए। देव इच्छा, अनिच्छा या परेच्छा से जो कुछ घटना घटे उस सब को ईश्वर की इच्छा मात्र मान लेना चाहिए। इस प्रकार मान लेने पर प्रतिकूलता में मन की अनुकूलता बन जाती है। जिस प्रकार हम लोगों को ऐसा मालूम पड़ता है कि पंचायती में हमारे घर वालों ने इस प्रकार का फैसला स्वीकार कर लिया है, अथवा हमारे किसी हितैषी या प्रेमी ने हमारी तरफ से इस प्रकार के फैसले को स्वीकार कर लिया है, तो हमको यह सुनकर संतोष हो जाता है, क्योंकि हमारा ऐसा विश्वास है कि ये लोग जो भी कुछ करेंगे हमारे हित के लिए ही करेंगे। इस प्रकार से हम लोगों को यह विश्वास कर लेना चाहिए कि संसार में भगवान के समान हमारा कोई भी हितैषी या प्रिय नहीं है। उनके समान अन्य कोई भी सुहृद और दयालु नहीं है, इसलिए उनके हाथों से जो भी काम बनेगा वह हमारे मंगल कल्याण के लिए ही बनेगा। ऐसा विश्वास कर लेना चाहिए। भगवान शंकर जी पार्वती से कहते हैं कि उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही।